आज इंडिया होटलियर एंड हॉस्पिटैलिटी अवार्ड 2022 की धूम रही। देश भर के 231 होटलों की स्पर्धा में 20 होटलों और प्रबंधन कर्मियों को उनकी उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया गया। नई मुंबई चैंबर्स ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित इस पुरस्कार समारोह में देश भर के होटल और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई चैंबर्स ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज ने आज देश भर के चुनिंदा होटलों और होटल प्रबंधन कर्मियों को इंडिया होटलियर एंड हॉस्पिटैलिटी अवार्ड 2022 देकर सम्मानित किया। यहां बेस्ट होटल का अवार्ड ताज फतेह प्रकाश पैलेस को, मोनाश होटल नवी मुंबई को बेस्ट अपकमिंग होटल ग्रुप, बेस्ट अपकमिंग रिसोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड करजत के पैरामाउंट रिवर फ्रंट रिसोर्ट एंड स्पा को, जबकि 4 पॉइंट सेरेटन को बेस्ट कॉर्पोरेट फ्रेंडली होटल ऑफ द ईयर से नवाजा गया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि बीजेपी नेता हाजी अराफात ने इंडिया होटलियर एंड हॉस्पिटैलिटी अवार्ड 2022 की सराहना की और इसे लॉकडाउन चुनौतियों के बीच सेवाएं दे रहे होटलियर्स को प्रोत्साहन देने का जरिया बताया। दो सालों से कोरोना से पूरा देश और स्टेट जूझ रहा था। होटल इंडस्ट्री ऐसा दिन पे दिन खत्म होते जा रही थी, लोग परेशान थे, टूरिज्म का मामला आ गया था, टूरिज्म देश में नहीं आ रहे, बहुत कम पैमाने पे आ रहे थे, देश का काम ठप हो गया था। और उस बीच में जो होटल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लाइट बिल वैसा वहीं के वहाँ रह गया, टैक्स वहीं के वहीं रह गए, स्टेट की सरकार ने कोई किसी तरीके कोई मदद नहीं किया, सारी चीज़ों के उनके बर्डन रहने के बाद भी इन होटल वालों ने अपनी होटल को संभाला। अब कहीं जाके देश में फिर से टूरिज़्म आना शुरू हुए, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और अच्छे तरीके से वापस से सारी चीज़ें ठीक होते जा रही हैं। तो हम होटल इंडस्ट्री को क्या क्या फ़ायदा दे सकते हैं, हमारे इनको रोज़गार किस तरीके से बढ़ सकता है, टूरिज़्म कैसा देश में आएगा, किस तरीके से हम टूरिज़्म को बढ़ाएंगे, उसके लिए खास तौर पर आज इनको शुभेच्छा देने के लिए आया था ये हाजी अराफात शेख। केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है सारी की सारी योजना का लाभ इस होटल इंडस्ट्री को देंगे, कोशिश करेंगे कि उनको और किस तरीके से हम फायदा पहुंचा सकते हैं। बताना जरूरी है कि अवार्ड के लिए देश भर के 231 होटलों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से जूरी ने 20 होटलों को चुना। इसके उद्देश्य की जानकारी देते हुए नवी मुंबई चैंबर्स ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉक्टर धीरेन्द्र गौतम ने इसे होटल कारोबारियों और प्रबंधन कर्मियों का हौसला बढ़ाने का जरिया बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। आज होटल कैटेगरी और इंडिविजुअल कैटेगरी, जैसे हम होटल को भी सम्मानित करते हैं और वहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं उनको भी सम्मानित करते हैं, तो दोनों कैटेगरी मिलाकर के तकरीबन 20 कैटेगरी में हमने लोगों को सम्मानित किया है। बट ये सम्मानित भले ही 20 लोग हुए हों, लेकिन आप देखोगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से 231 नॉमिनेशन फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया हैज़ कम फॉर दिस होटेलियर एंड हॉस्पिटैलिटी अवार्ड। एंड आउट ऑफ दैट थ्रू अ मंथ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, जूरी प्रोसेस एंड शॉर्ट लिस्टिंग, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस 20 पीपल। ये 20 लोगों को हमने चूज किया है इन डिफरेंट कैटेगरी फॉर देयर बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कस्टमर सर्विस एंड प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास ऑफ कस्टमर सर्विस टू देयर गेस्ट एंड द कस्टमर्स। सो दैट इज द प्राइम क्राइटेरिया फॉर दैट। एज ए नवी मुंबई चैम्बर, इट इज़ आवर अपॉर्चुनिटी टू हेल्प एंड एम्पावर ऑल द इंडस्ट्री, प्रमोट देम टू डू मोर एंड मोर बिजनेसेस, ग्रो देम एंड हेल्प देम एनी काइंड ऑफ requirement they have, creating the entrepreneurship in the Navi Mumbai in hospitality industry, having any challenges relating to any statutory or government compliances, any requirement they have, to be help them to grow them more and more in business and industry. वहीं पुरस्कार पाने वाले तमाम होटल संचालक एवं प्रबंधन कर्मी तथा इस पुरस्कार समारोह के सहयोगियों ने क्या कुछ कहा, वह भी सुन लीजिए। 20 years of experience in hospitality industry, आणि मी जेव्हा हॉटेल अवॉर्ड सेरेमनीला जायचो बॉम्बे, दिल्ली, बँगलोर आणि चेन्नई सिटीमध्ये, तर मी रिअलाईज केलं जेव्हा मी इथे 4 पॉईंट्समध्ये काम करत होतो ॲज अ डायरेक्टर ऑफ सेल्स अँड मार्केटिंग आणि डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, की छोट्या सिटीजमधले जे हॉटेल्स आहेत
त्यांना अपॉर्च्युनिटी आपण खूप कमी देतोय. आम्ही जेव्हा पण हॉटेल इंडस्ट्रीच्या अवॉर्ड्स घ्यायला जायचो तेव्हा आम्ही फक्त लक्झरी हॉटेल्स, मोठमोठे ब्रँड्स वगैरे त्यांची अपॉर्च्युनिटी मिळायची, आणि जे टिअर टू सिटीचे हॉटेल्स आहेत त्यांना कम्प्लिटली इग्नोर केलं जायचं. मग मी ही आयडिया आणि हा कन्सेप्ट, ही कल्पना सरांशी शेअर केली, तर आम्ही हा विचार केला की लेट्स हॅव अ अवॉर्ड सेरेमनी स्टार्टिंग फ्रॉम नई मुंबई ॲज अ इंडिया हॉटेलियर अँड हॉस्पिटॅलिटी अवॉर्ड. आणि मी बघतोय की आता जो उत्साह आहे सगळ्या GMs मध्ये आणि सगळ्या हॉटेलमध्ये इज व्हेरी हाय. सगळ्यांना नेक्स्ट इयर पार्टिसिपेट करायचं आहे जोराने, आणि सगळे GMs नी मला कमिटमेंट दिलेले आहे की आम्ही सगळ्या पीपल कॅटेगरीमध्ये आणि हॉटेल कॅटेगरीमध्ये आम्ही उत्साहाने पार्टिसिपेट करू आणि लुक फॉरवर्ड टू हॅव मोर अवॉर्ड सेरेमनीज इन अपकमिंग इयर. आय हँडल महाराष्ट्र, गुजरात अँड मध्य प्रदेश. Thank you for inviting this wonderful event, and it was really, really good experience being associated with this. And this is a very good event wherein as far as the luxury and hotels are concerned, and Skoda is also into premium cars, so that is why we are associated, and this is a lovely event which is happening. Really proud to represent Chalet Hotels, and Four Point Sheraton at Navi Mumbai has been a proud recipient of this awards. We have been an iconic hotel at Navi Mumbai for the last 13 years and continue to do so. And thank you for all the love which is honored and showered to all of us here. And it's all responsibility from our team and the guests who love us. It's clearly the love that has been showered onto Four Points by Sheraton. And thank you very much, and looking forward to welcome each one of you. Thank you everyone for inviting us, and it was organized by Navi Mumbai Chambers of Commerce, but it was not only restricted to Navi Mumbai, it was restricted across Pan India, and we are very proud that we have been a proud winner as leading resort of the year. And thank you everyone for supporting us, and we expect much more such events to come in near future. So काफ़ी अच्छा लग रहा है, वी आर फुल्ली एक्साइटेड. सो इट्स अ पैरामाउंट रिवर फ्रंट रिसॉर्ट इन करजत, एंड वी हैव बीन अवॉर्डेड एज द बेस्ट अपकमिंग रिसॉर्ट इन करजत. सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी विच इज लोकेटेड इन 8 acres ऑफ लैंड. इट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द बेस्ट प्राइम लोकेशन ऑफ करजत. वी आर वेरी यंग इन दिस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, अबाउट 1.5 years. वी ऑलरेडी एक्वायर्ड अबाउट 12 प्रॉपर्टी within Mumbai. We have got about 6 hotels, and outside Maharashtra we have got about 5. We are very happy with the growth of the group. Bureau report, TV on India. Latest updates aur taaza tarin khabron ke liye TV on India Live ko subscribe kijiye, aur notification paane ke liye bell icon ko dabana mat bhuliye.